बिहार के गया जिले में युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने लगातार कई छापेमारी की, जिसमें अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने इस मामले पर क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। का जो मामला है वो बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीर मामला है और इसको पुलिस मुख्यालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। तो अभी की जो स्थिति है उसके अंदर 2 और लोग की गिरफ्तारी हुई है, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों पीड़िता की चिकित्सीय जांच जो है वह कराई गई है और चिकित्सीय जांच के आधार पर इस कांड में जो धाराएं हैं उनके अंदर परिवर्तन किया गया है। वो जो परिवर्तित धाराएं हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वो अब कांड में धारा जो लगी है वो है 395, 397, 376D, ये गैंग रेप की धारा है, 376(3), 376DA और 6 पॉक्सो एक्ट। तो ये जो अभी की जो स्थिति है उसमें दोनों पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें पुलिस अधिकारी ने कहा दोषियों के खिलाफ इस घटना से जुड़ी कई धाराएं लगाई गई हैं और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।